बिन मौसम बरसात से जहां कई प्रदेशों की फसलें बर्बाद हुई हैं, वहीं ललितपुर जिले के प्रथा ब्लाक ग्राम पंचायत खजुरिया निवासी रामू कुशवाहा, जो अपनी फसल की पैदावार की दम पर अपनी पोती की शादी का ख्वाब देख रहे थे, परंतु फसल की पैदावार में भारी नुकसान आ जाने के कारण अपनी पोती की शादी का ख्वाब बिखरते देख उनको हार्ट अटैक आ जाने से उनकी मौत हो गई। मैं शंकरलाल और ये मेरा समुदाय। नेकपाल कभी खेतों पर गया नहीं है, मैंने अभी तक शकल देखी नहीं है, और चल के अभी फसलों का नुकसान देखो क्या है कि 5 गुना 10 गुना 15 गुना से आगे पिसी गई नहीं है। कौन है लेखपाल? हमने साहब चिंती नहीं जाना, हमने शकल ही नहीं देखी। गांव में आया तो पता पड़ेगा कि जी नेकपाल है, का नाम है, का है। जो आपके यहाँ अभी एक किसान की मृत्यु हुई है, उसका क्या कारण है? उनकी मौत जे भई है कि पिसी पजी कम, और नातनी का है ब्याह, यहीं बैठे थे चौतरा पे, अपने आप ऑटो में डब कही भैया हमें ब्याह आगा मोला पे, और जो है फसल भई नहीं है, ब्याह कैसे करें, इतनी बात हुई और साहब इतनी काम हो गया। क्या समस्या है आपके यहाँ? मेरे यहाँ ये समस्या है, जो लेखपाल साहब ने पहले रिपोर्ट दी थी 35% की, इसके बाद में एक पानी और गिरा है, इसमें 10-15% और नुकसान हो चुका है। नुकसान किस तरीके का नुकसान हुआ है? पानी गिरने से फसल आड़ी हो चुकी, जो नीचे बाल दबी थी वो सड़ गई, तो उसमें 15% और नुकसान हो चुका। तो अभी जो एक किसान की मौत हुई है, उसका क्या कारण है? उसका जो बताया है कि फसल की उपज कम हुई, उससे उनको कष्ट हुआ, दुख हुआ। तो आप किस बेस पे इसकी रिपोर्टिंग करेंगे? जी रिपोर्टिंग जो होगी आपकी, जो सर्वे आप कर रहे हैं, जी किस उस हिसाब से करेंगे आप? सर्वे की रिपोर्ट जा चुकी आपने दी है जी। नेकपाल साहब जो बोल रहे हैं कि सर्वे की रिपोर्ट जा चुकी है, क्या ये आपके गांव में आए हैं? अब अभी तो आए। इससे पहले कभी सर्वे करने आए आपके यहाँ? पहले आए थे। खेतों पे गए सर्वे करने? सर्वे घर में नहीं आए। सर्वे की नहीं बताई, यही है सर्वे जैसा नुकसान है। सर्वे में जो जवाब दे नहीं आए सर्वे में। जी सर, अभी किसानों ने कहा गांव के कि आप में सर्वे करने आप गांव में नहीं आए हो, तो क्या कारण है कि आप गांव में नहीं आए? जी मेरे पास 4 गांव हैं सर। आपको गांव में जाके सर्वे करना है कि घर बैठ के? गांव में। तो आप गांव में तो आए नहीं हो? धानी से मुलाकात की। हां कास्कार से मुलाकात की। कौन से कास्कार से मुलाकात की है? कोई कास्कार है जगवान? तो सर कितने परसेंट आपने रिपोर्ट दी है? 35%। इसका मुआवजा कब तक मिलने की उम्मीद है? शासन से जो निकट हो जाएगी धरा से तत्काल मिल जाएगा। क्या हुआ था आपके परिवार में? जो हुआ था कि हम लोग त्रिसंग लगाए थे, पिताजी थे घर, दिन भंसाया रात हुए त्रिसंग भाई, सो घर उन्होंने देखी ट्राली, सो ट्राली देखी सो कल लगे के कहते जा शादी करें हम, और इतनी सी पिसी कड़ी, सुबह बैठे बैठे वहीं धड़क गए। आप क्या चाहते हो? कुछ मुआवजा साहबजा मिल जाए तो वो। आपके ऊपर कितना कर्ज है? कर्ज तो साहब है। कितना कर्ज है? 40। किससे लिया आपने? गांव वालों से। सरकार के मुआवजे की धनराशि ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है, क्योंकि किसानों ने कर्ज लेकर अपनी फसलों में लगाया था, परंतु सरकार द्वारा घोषित मुआवजे की धनराशि इतनी कम है कि वो अपने उपरोक्त कर्ज की भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, जिससे ये सभी किसान भारी सदमे में हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार मुआवजे की नीति में संशोधन करे, ताकि सभी किसानों को उनकी फसलों का उचित मुआवजा मिल सके, जिससे ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि आप लोग ललितपुर जनपद के सदर तहसील के SDM के मोबाइल नंबर 94-54-41-63-66 पर फोन करके दबाव बनाएं, ताकि मृतक परिवार को मुआवजा मिल सके। मैं शंकरलाल, बुंदेलखंड क्षेत्र ललितपुर से, इंडिया अनहर्ड के लिए।